हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है यूट्यूब सीरीज की पार्ट नंबर 6। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर से आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल एडिटिंग अपने ही मोबाइल से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा फुल लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो को देखने के बाद आपको एडिटिंग का काइन मास्टर से एडिटिंग का कोई भी ऐसा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप काइन मास्टर से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपने और वीडियो नहीं देखा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर यूट्यूब चैनल की बेसिक सेटिंग से लेकर एडवांस सेटिंग तक मैंने बता रखा है। चलिए बताता हूँ आपको काइन मास्टर से एडिटिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, काइन मास्टर एक आपके फ़ोन में होना चाहिए। ये रहा मेरा काइन मास्टर, तो इसको मैंने ओपन किया। काइन मास्टर नहीं है तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे नए डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मैं पहले से यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रखा है। तो आपको क्या करना है, नए डाउनलोड करेंगे तो इस तरह आएगा इंटरफेस। तो आपको यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करना है। प्लस वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 रेसिव खुलेगा, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। ये जो है यूट्यूब का है और ये टिकटॉक जो आता था रील्स वाला, रील्स इंस्टाग्राम रील्स ये सब वीडियो आता है वो वाला रेसिव है, और ये है इंस्टाग्राम का। तो हम यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये 16:9 वाले पे क्लिक करना है। आपको ये वाला रेसिव सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाए। उसके बाद आपको जो भी वीडियो को एडिटिंग करना है तो क्या करना है, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे जिस फोल्डर में आपका है वो वीडियो, उस फोल्डर से आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे मेरा 2 लेयर सिलेक्ट हो गया, एक मैं डिलीट यहाँ से कर देता हूँ। उसका देखिए मेरा जो वीडियो है कुछ इस तरह आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो के शुरू में आ जाएगा, और फिर यहीं पे आप क्लिक करेंगे इस जगह तो आपको वीडियो के लास्ट में ले जाएगा। तो शुरू में आ जाना है। शुरू में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो भी जहाँ से आपका वीडियो जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद जहाँ से जहाँ तक आपको कट करना है, जैसे कि यहाँ से यहाँ वीडियो मान लेता हूँ मेरा वीडियो यहाँ से यहाँ तक ख़राब है, यहाँ तक इधर में मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ। सॉरी, यहाँ पर अब प्ले करने के बाद कुछ इस तरह आता है। तो देखिए मेरा, अगर चाहते हैं कि मेरा वीडियो जो है यहाँ से यहाँ तक ख़राब है, इधर यहाँ तक ख़राब है, तो यहाँ पे आपको इस लेयर वाले पे क्लिक करना है, आपको इस तरह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैंची वाले ऑप्शन, जो कटर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे तो आपका इधर का वीडियो यहाँ पर जो है इधर का कट जाएगा। तो यहाँ पर इधर कट करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इधर कट हो गया। अब इधर कट हो जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने का कुछ इस तरह आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट में अगर जहाँ जहाँ से जहाँ तक होगा तो आपको लास्ट में क्लिक करना है और लास्ट में आपका कर लेना। तो यहाँ पर लास्ट में कट करना है तो यहाँ पर लास्ट में वीडियो जहाँ से जहाँ तक ख़राब है वहाँ तक कट क्लिक करके कट कर लेना है। तो फाइनली मैं मान लेता हूँ मेरा वीडियो यहाँ से यहाँ तक ख़राब है, इधर मेरे को कट करना है, यहाँ तक मेरे को कट करना है। तो इस पे वीडियो लेयर पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंची वाला ऑप्शन खुल जाएगा ऊपर में, यहाँ पे दिख पा रहा है। उस कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। अब इधर का पार्ट खत्म करना है, इधर का पार्ट खत्म करना है तो यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर देंगे और यहाँ पर आपका इधर का पार्ट आपको खत्म हो चुका है। फिर यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका वीडियो कुछ इस तरह आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ यहाँ पे अगर बीच में से कट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक मिनट बताता हूँ, यहाँ पर बीच में चलता हूँ। अब यहाँ से एक मिनट, यहाँ पर यहाँ बीच में अगर मेरा यहाँ से और यहाँ तक मेरा वीडियो ख़राब है तो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ से जहाँ तक ख़राब है पहले वहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले यहाँ पे मेरा यहाँ से वीडियो जो है यहाँ से मेरा ख़राब है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, जैसे एक तरह मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैंची वाले ऑप्शन पर ऊपर में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बीच में स्पीड टू प्ले एड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है और आपका यहाँ से कट हो चुका है। अब यहाँ से कट हो गया, उसके बाद क्या करना है, आपको जहाँ से आगे तक कट करना है। जैसे मान लेते हो कि यहाँ से यहाँ तक मेरा वीडियो ख़राब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़राब है, तो बीच में से अगर कट करना है तो इसी पे क्लिक करेंगे वीडियो वाले लेयर पे। उसके बाद यहाँ पे कैंची वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। कैंची वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर यहीं पे स्पीड टू प्लेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका वीडियो बीच में कट हो गया। अब इस बीच वाले लेयर पर क्लिक करना है, और लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट का सिम्बल दिख रहा है, डिलीट वाले सिम्बल पर क्लिक करेंगे आपका उतना वीडियो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो इस तरह इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो है यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऑडियो फीड स्टार्ट प्रोजेक्ट जो है इस पे क्लिक करना है। इस पे जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो इनेबल करने के बाद आपका जो शुरू में जो आवाज़ जैसा रहता है वैसे ही आवाज़ आपको लास्ट में भी मिलेगा देखने को। तो इसको ऑन कर देना है, जो शुरू में आवाज़ रहता है वैसे ही लास्ट में थोड़ा स्लो आवाज़ हो जाता है तो आपका स्लो आवाज़ नहीं होगा। फिर यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे,
ये चीज़ आप वीडियो के शुरू में भी कर सकते थे, जब वीडियो एडिटिंग करेंगे चलेंगे तो आपका ये फीड जो मतलब ऑन था उसको ऑन कर लेना है सबसे पहले ही। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे जैसे कि एक मिनट यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कोई मेरे को इमेज यूज करना है, जैसे कि साइड में यहाँ पे कोई इमेज अगर दिखाना है तो इमेज दिखाना है तो यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे आना है, और मीडिया वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपका जो भी कोई यहाँ से फ़ोटो जो लेना है दिखाना है वहाँ पे, उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैं कोई भी यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मेरा एक थंबनेल है वही थंबनेल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा ये थंबनेल रहा, इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे इस वाले सिंबल पे क्लिक करके और इसको छोटा करना है तो जहाँ पे छोटा करके लगाना है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको राइट पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे लग चुका है। अब मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह आ रहा है। अगर इसमें चाहते हैं कोई एनिमेशन देना तो आपको एनिमेशन देने के लिए इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फीड और टॉप बहुत सारे इसमें एनिमेशन मिल जाता है, उस एनिमेशन को भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे एनिमेशन है, जो भी एनिमेशन यूज करना चाहते हैं वो एनिमेशन यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी आवाज़ अगर देना चाहते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई अगर ये निकले तो यहाँ पे आवाज़ मेरे को सुनाई देता। आवाज़ सुनाई देने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कोई म्यूजिक पे क्लिक करना है, इस ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जहाँ भी आपका फोल्डर है उस फोल्डर से आपको सेलेक्ट कर लेना है उस आईडी को। तो आईडी को सेलेक्ट करने के बाद मैं आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये आईडी रहा, ये आईडी फ्री आपको मिल जाता है। यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका आईडी आ चुका है। अब यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका आईडी आ चुका है। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। तो मैं अभी माइक लगा रखा हूँ इसलिए आपको आवाज़ नहीं सुनाएगा, नहीं तो हम प्ले करके भी दिखाएं। जैसे आपका ये वाला ये जो फोटो है ना, ये वाला यहाँ वाला, ये जब निकलेगा तो आपका यहाँ पर टक्सिन आवाज़ करेगा। ये सब फ्री वाला म्यूजिक आता है, आप यूट्यूब से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पे लिखना है आपको तो लिखना है तो यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ टाइटल टेक्स्ट जो दिख रहा है इस टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और जो भी कुछ यहाँ पे लिखना है मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ। और लिख लेने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे ए आ चुका है। और ये आ जाने के बाद आपको यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, तो इस कलर यहाँ पे गोल वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो कलर फाइनली यहाँ पे ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ। ब्लैक लेने के बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे ये आ चुका है। अब आ चुका है तो अगर आप इसको चाहते हैं ब्लोर करना, जैसे आपके कोई वीडियो में नंबर या कोई ईमेल आईडी कुछ रह जाता है तो उसको ब्लोर करना चाहते हैं, इसको ब्लोर कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे ब्लोर करने के लिए आपको क्या करना है, इस लेयर वाले ऑप्शन पे ही आ जाना है और यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है या फिर एफएक्स ऑप्शन दिख रहा है, एफएक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ एफएक्स वाले पे क्लिक करेंगे और एफएक्स वाले में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेसिक इफेक्ट जो दिख रहा है ये बेसिक इफेक्ट में क्लिक करना है और बहुत सारे यहाँ पे मिल जाना है। तो आपका जो भी ये पर डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है काइनमास्टर में वो भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको थोड़ा इस तरह उंगली से खींच करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे रख देंगे जहाँ आपका नंबर दिख रहा है, कोई भी चीज़ दिख रहा है अपना पर्सनल, तो उस पर क्लिक करके उस पर रख देंगे। इसको जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा छोटा करके और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे, आपका जहाँ से जहाँ तक है वहाँ तक करके, और फिर इसको प्ले करेंगे तो देखिए मेरा जो आएगा। मैं यहाँ पर एक मिनट प्ले करता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे मेरा जो था यहाँ पे थंबनेल जो पहले लगा रखा था वो भी मेरा ब्लोर दिख रहा है। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ को ब्लोर कर सकते हैं। उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे। अगर कोई अगर ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन, जैसे मेरा यहाँ पे देखिए ये जो लाइक वाला निकल रहा है, एक मिनट मैं इसको प्ले करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए ये जो निकल रहा है और यहाँ पे ये सब्सक्राइबर बटन निकल रहा है, तो ये इस तरह लगाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे ग्रीन स्क्रीन करके ऐसे सब्सक्राइब बेल बटन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं उसको लगाना कैसे है, तो ग्रीन स्क्रीन वाला उसको हटाने के लिए क्रोमा की ऐसे लगा करके उसको हटाना पड़ता है। तो चलिए मैं डाउनलोड करके रखा उसको, कैसे लगाते हैं और कैसे उसका क्रोमा की हटाते हैं चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है आपको, और जहाँ पर भी आपका फोल्डर है वहाँ से ले लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है ग्रीन स्क्रीन का एक फोल्डर बना रखा हूँ, तो यहाँ पे मेरा बहुत सारे एनिमेशन जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से एनिमेशन कोई सा भी ले लेता हूँ।
जैसे कि एक मिनट यहाँ पे ये जो मेरा है एनिमेशन देखिए कुछ इस तरह है, मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक का ये जो ट्विटर का निकल रहा है ये मेरा ग्रीन में है, ग्रीन वीडियो है इस तरह का। तो इसको अगर ग्रीन को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस लेयर वाले पे क्लिक करना है। लेयर वाले पे क्लिक करने में आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आ जाएगा तो क्या करना है इसको ऊपर में स्क्रोल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये क्रोमा की वाला ऑप्शन, इस क्रोमा की वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनेबल कर देना है। इसको इनेबल इधर करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो हरा वाला था वो हट जाएगा। अगर ग्रीन सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका हरा वाला हट जाएगा। अब ये हट गया है, अब हट जाने के बाद इसको जहाँ पर भी मेरे सेट करना है वहाँ पर इसको जूम करके, छोटा करके, बड़ा करके उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद ये हो जाता है, ये हो गया कंप्लीट। अब चलिए मैं आगे बताता हूँ। अगर वीडियो के बीच में अगर कोई इंट्रो यूज करना चाहते हैं तो आप वो शुरू में भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। चलिए मैं अभी बता दूँ तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इंट्रो यूज करना है, इंट्रो लगाना है तो क्या करना है, यहाँ पे वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पे कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्या करना है स्पीड एड प्लेहेड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका और यहाँ पे कट कर आ जाएगा कुछ इस तरह आ जाएगा। क्या करना है इसको, इसमें बीच में आपको इमेज सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ये वाला सिंबल जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेयर नहीं सॉरी यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है तभी आपका इस लाइन में आएगा। अगर लेयर में क्लिक करते हैं, लेयर से अगर कोई फोटो या वीडियो कोई सी लेते हैं तो यहाँ पे इसके नीचे दिखाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऊपर में लेना है तो यहाँ पे मीडिया में क्लिक करना है। मीडिया में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ही मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे बीच में कोई यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह आ गया, तो मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो मेरा वीडियो चलते चलते कुछ इस तरह बीच में ये आ चुका है। अब इसमें आ गया, अगर कोई इफेक्ट का यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे वाले सिंबल अगर रहेगा आ जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ आपका ऑटोमेटिक इफेक्ट, यहाँ जितना भी इफेक्ट है सारा इफेक्ट खुल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इफेक्ट जो है कैसे कैसे खुलता है, कैसे कैसे काम करेगा। ये देखिए कुछ इस तरह, ये बहुत सारा इफेक्ट होता है इसमें। लर्न मोड़ी करके होगा नीचे ऑप्शन, गेट मोड़ी यहाँ पे, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है करके है ऐसे, देखिए इस तरह बहुत सारा इफेक्ट आ जाएगा। तो इफेक्ट भी लगाना चाहते हैं इसको इफेक्ट भी लगा सकते हैं, या फिर हटाना चाहते हैं इसको तो यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे इस अंडो वाले पे क्लिक करेंगे। जितना अंडो करेंगे तो आपका जितना भी सिलेक्ट किए हैं सारा ऑटोमेटिक इस पर, जितना भी किया हुआ है, कट किया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है, ये सब ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद क्या करना है चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं ये यूट्यूब चैनल वेरीफाई कैसे करें ये वाला ले लिए, तो आप देखिए जब इसको हम प्ले करेंगे तो मेरा जो फोटो है वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा ऊपर नीचे। यहाँ पर देखिए अभी नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे होगा तो क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका जो होगा फोटो इधर उधर होगा तो यहाँ पे इधर उधर स्क्रॉल नहीं होगा। जैसे कि देखिए अभी पूरा फुल इस तरफ प्ले हो रहा है तो इस तरह नहीं होगा। अगर यहाँ पे लेयर से लेते हैं फोटो तो आपका जो होगा वो उस तरह ऊपर नीचे स्क्रॉल होते रहेगा। तो देखिए जूम आउट, तो यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिर से ले करके दिखाते हैं। तो कोई भी इमेज लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इमेज लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। अब आप इसका यहाँ पे फुल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई म्यूजिक का यूज करना चाहते हैं तो क्या करना है, अगर म्यूजिक जो वीडियो चलते रहता है उसमें म्यूजिक थोड़ा थोड़ा आवाज़ आते रहता है वो अगर लगाना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको NCS YouTube में सर्च करना है, आपको बहुत सारा म्यूजिक मिल जाएगा तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद
मैं यहाँ पे मेरे फाइल में है, मैं यहाँ पे चलता हूँ आईडी वाले सेक्शन पे आकर के, और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक नो कॉपीराइट म्यूजिक का फाइल है। तो यहाँ से देखिए मेरा ये जो है ये सब म्यूजिक फ्री वाला म्यूजिक है, यूट्यूब में NCS सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे कि इस जो भी म्यूजिक मेरे को पसंद पड़ता है उस म्यूजिक पे क्लिक किए और यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे म्यूजिक आ चुका है इस लेयर में। अब यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देंगे, आपका म्यूजिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपका जो वीडियो लंबा है और म्यूजिक छोटा है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिनट कट करता हूँ इसको, और कट के फिर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इसको इधर में कट कर दिए, कट करने में देखिए जैसे कि मेरा वीडियो जो है इतना बड़ा बहुत सारा बहुत लंबा है, और मेरा ये जो म्यूजिक मैंने सेलेक्ट किया ये छोटा है। तो इसको पूरे वीडियो में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या करना है, इस म्यूजिक वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे लूप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो लूप वाला ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद क्या करना है, इसको भी इनेबल कर देना है। अब आप देख पाएंगे आपका जितना बड़ा वीडियो है उतना बड़ा आपका पूरा म्यूजिक जो है म्यूजिक पूरे वीडियो में हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको जूम थोड़ा कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा वीडियो है जो पूरा फुल वीडियो, जितना बड़ा वीडियो उतना बड़ा पूरा म्यूजिक सेलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिक। तो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको पूरा ये जो सेटिंग हो चुका है, अब हो जाने के बाद क्या करना है, आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, वीडियो सेव करना है गैलरी में। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शेयर वाले पे, और शेयर वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे रेशियो दिख जाता है। तो क्या करना है, इधर में आपको 25 कर देना है, 25 या 30 पे रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 25 पे यहाँ पे करके और एक्सपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे 720 पे भी अच्छा क्वालिटी आता है। तो 720 पे करके और यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे, और इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे बीच में सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे बीच में सेलेक्ट कर देना है, वीडियो का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा क्वालिटी आता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पे एक्सपोर्टिंग चालू हो गया है, अब आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी गैलरी में चला जाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।